में ट्रिपल मर्डर के आरोपियों को किया 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार। हत्याकांड में ट्रिपल मर्डर के आरोपियों को किया 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार। दिनांक 15 जनवरी को थाना में गांव पर फरियादी मनोज उर्फ त्यागी निवासी पचरा ने उपस्थित थाना आकर जुबानी रिपोर्ट की। ग्राम पचरा में पंचायत भवन के पास आरोपी गणों ने दिन दहाड़े हत्यारों से सूझा जीत होकर एक राय होकर सरपंची चुनाव संबंधी पुरानी रंजिश को लेकर हाकिम प्रसाद त्यागी, नरेंद्र त्यागी, पिंकू उर्फ धीरज त्यागी में गोली मारकर हत्या कर दी है, जिस पर से थाना आज अपराध क्रमांक 10, 23, 302, 307 आदि धाराओं में आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शैलेंद्र सिंह चौहान एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भिंड श्री कमलेश खरबुजे महोदय द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। श्रीमान SDOP अरविंद शाह महोदय के निर्देशन में आरोपी गणों की धरपकड़ हेतु थाना प्रभारी मेहगांव वरुण तिवारी में फोर्स एवं साइबर उप निरीक्षक से शिव प्रताप सिंह, उप निरीक्षक दीपेंद्र सिंह यादव, वैभव तोमर, सत्यवीर एवं टीम थाना प्रभारी गोर्मी विजेंद्र सिंह सिंगर में फोर्स थाना प्रभारी अमायन सुनील सकरवार में फोर्स थाना प्रभारी बरासू CPS चौहान में फोर्स थाना प्रभारी बरोही ब्रजमोहन सिंह भदौरिया में फोर्स को निर्देश दिए गए। उक्त टीमों द्वारा आरोपी गणों की गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर दबिश दी गई, जिसमें घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार 3 कट्टे, 1 कुल्हाड़ी, 1 फरसा जब्त किया। अन्य आरोपी गणों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के भरसक प्रयास जारी हैं। आरोपियों के ऊपर 10,000 रुपए का इनाम रखा गया है। वंदे भारत से संवाददाता प्रमोद चौधरी की रिपोर्ट। समर्थक भी हैं जिनका इसमें नाम आ रहा है, जो पहले एक पक्ष के साथ में थे, फिर बाद में दूसरे पक्ष के साथ में थे, जिनके गाँव में आने जाने को लेकर भी ये आपस में एक दूसरे से इस बात पर विवाद करते थे, जो कि जिसको लेकर इनका तत्काल जो कारण समझ में आया वो किसी एक व्यक्ति है जिसको लेकर इनकी आपस में ही इस घटना को हुआ है। एक दिन पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ था दोनों पक्षों में, ये उसी की बात हुई थी, जो एक व्यक्ति जिसका मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो पहले शायद इनसे संबंधित था बट बाद में अब दूसरे पक्ष के उसमें आ गया था सपोर्ट में, तो उसका इनसे मिलना, जो दूसरे पक्ष आरोपी पक्ष को है वो उसको लेकर वो ऑब्जेक्शंस करते थे उस पर, और एक दिन पहले अभी इन लोगों ने बताया कि इनके बीच में आपस में कुछ कहासुनी हुई और संभवतः कुछ फायरिंग हुई, लेकिन इसके विषय में मैंने भी इनसे अलग से भी पूछा, इनके द्वारा कहीं कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं की गई थी, और सुबह वो बता रहे हैं कि इसी बात को लेकर सुबह इनमें आपस में जो झगड़ा हुआ और उसमें इस प्रकार से घटनाक्रम घटित हुआ। कल मृतकों भी परिजनों के द्वारा जाम लगाया गया और वो आरोपियों को घर तोड़ने की मांग कर रहे थे, फिर ऐसी भी कोई कार्रवाई की? देखिए, उनके द्वारा जाम लगाया गया था और उनके द्वारा ये डिमांड की गई थी, जिसको मौके पर जाकर SDM मैगांव द्वारा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिंड ने उनको उनकी बात सुनी, और उसमें जो उचित वैधानिक कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा सकती है उसके संबंध में उनको आश्वासन दिया है, और इसके विषय में अब जो उनके द्वारा कार्रवाई की जानी है वो करेंगे, और यदि सही पाया जाता है तो निश्चित तौर पे जो कठोर से कठोर कार्रवाई, क्योंकि घटना जो है इसको हम लोग काफ़ी संवेदनशील घटना मानकर, गंभीर घटना मानकर हम लोग भी